हेलो डियर फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे आरबीसी क्लास 12th इंग्लिश वर्कबुक। इससे पहले हम वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम वर्कशीट 5, 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी वर्कशीट 5। इसके अंदर आपका लर्निंग एरिया ग्रामर है, टॉपिक है सिंथेटिक। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपको कंबाइन करना है। जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा आपके आई बोट पिज्जा फॉर द किड्स ऑल दोज दे डू नॉट लाइक इट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा वुन ए गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड ए लॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा इफ़ यू एक्सरसाइज डेली यू विल रिमेन फिट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा यू शुड वेयर टिल यूर ब्रदर फिनिशेज द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा सी गोज टू द मार्केट सो दैट सी कैन बाई गुड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन एंड वर्चुअल ट्रेवल बुकिंग आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा एस्ट्रोलॉजी इज ए सब्जेक्ट एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा द माउंटेन वॉज सो हाइट दैट द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर गेव ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा माई ग्रैंड मदर इज ओवर 90 स्टिल सी इज वेरी एक्टिव। तो इस तरीके से आपको इस वर्कशीट 5 को सॉल्व करना था। अब हम आ चुके हैं वर्कशीट 6 के अंदर। तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, यानी कि आपको फ्रेजल वर्ब यूज करनी है जो राइट हो। तो पहला है उसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब लगानी है डू अवे विथ। सेकंड का आंसर होगा गेट ए लॉन्ग। थर्ड के अंदर केम ए क्रॉस। फोर्थ के अंदर पुट ऑफ। फाइव के अंदर टर्न अप। सिक्स के अंदर ब्रिंग आउट। सेवन के अंदर कैरिड ऑन। एट के अंदर टर्न डाउन। नाइन के अंदर गेट थ्रू और टेन के अंदर वेल ऑफ। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा था फ्रेजल वर्ब, इनका यूज करते हुए आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना था। इसके बाद अब हम वर्कशीट 7 को देखते हैं। तो इसके अंदर आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यानी कि आपको सही प्रीपोजिशन की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो पहले का आंसर होगा एट, दूसरे का होगा इन, तीसरे का होगा विथ, चौथे का होगा इनटू, पांचवे का होगा टू, छठे का होगा बाई, सातवें का होगा टू, आठवें का होगा आफ्टर, नवे का होगा बाई, दसवें का होगा इन। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में दो दे रखे थे प्रीपोजिशन, आपको एक राइट प्रीपोजिशन का चयन करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना था। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट 7 कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हम देखते हैं वर्कशीट 8 को। तो वर्कशीट 8 के अंदर आपको क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हिंट है यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आई हैव नॉट मेट माई अंकल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टिक्स अमंग हिज सन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा द थीफ जंप्ड इनटू अ वेल टू एस्केप अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा अलोंग विथ हेवीली फाइंड द थीफ वॉज सेंट टू जेल। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा माई ग्रैंड मदर हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस 1999। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा माई ब्रदर विल कम बैक फ्रॉम जर्मनी इन नेक्स्ट दिसंबर। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा वी स्टॉप्ड इन जयपुर फॉर द दिवाली हॉलीडेज। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर होगा प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा द विनर इज वेरी प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट 8 कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं वर्कशीट 9 को, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यानी कि आपको सही प्रीपोजिशन का चयन करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आपके इनसाइड, दूसरे का होगा ऑफ, तीसरे का एट इन, चौथे का अपोजिट ऑफ, पांचवें का बिहाइंड, छठे का बिटवीन, सातवें का इन, आठवें का बिहाइंड, नवे का बिहाइंड, दसवें का इन। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट 9 के अंदर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना था और मैंने आपको इनके आंसर भी बता दिए हैं। तो इस तरीके से आपका यह वर्कशीट 5, 6, 7, 8, 9 तीनों के तीनों कंप्लीट होगी और वर्कशीट 1, 2, 3, 4 को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं
और बाकी की जो वर्कशीट है उसको भी हम इस चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।